देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। बलिया जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आमड़ा अनशन कर रहे लोग एक दूसरे को अवीर गुलाल लगाते नजर आए, जिसको देखकर सब लोग दंग रह गए। आपको बताते चले कि अनशनकारी बीजेपी सरकार के उपचुनाव में हार का खुशी अवीर गुलाल लगाकर कर रहे थे, साथ ही मटका फोड़कर बीजेपी सरकार का श्राद्ध कर संकल्प किए कि आने वाले चुनाव में बीजेपी पार्टी का विरोध किया जाएगा। बलिया जनपद के बांझी कोतवाली थाना क्षेत्र के हालपुर गांव में भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर ग्रामीण लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जू तक नहीं रेंग रहा है, जिसको लेकर फूलन सेना ने बैनर तले हालपुर के ग्रामीण सरकार का विरोध का नया तरीका अपनाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते नजर आए, जिसको देखकर सब लोग दंग रह गए। आपको बताते चलें कि अनशनकारी बीजेपी सरकार के उपचुनाव में हार का खुशी अबीर गुलाल लगाकर कर रहे थे, साथ ही मटका फोड़ कर बीजेपी सरकार का श्राद्ध कर संकल्प किए कि आने वाले चुनाव में बीजेपी पार्टी का विरोध किया जाएगा। वीरेंद्र निषाद, प्रदेश अध्यक्ष फूलन सेना। जी, क्या आप लोग क्यों आमरण अनशन किए हुए? जी, मैटर था जो गांव के ही दबंग हैं और समंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो ऑलरेडी वो लोग जो है 308-302 के मुजरिम हैं और वो लोग जो है PWD की जमीन को जो है कब्जा करने पे जो है उतारू हैं। ऑलरेडी उसके पीछे जो है मकान बना हुआ है और उस मकान के आगे ये लोग जो है कब्जा जो है अपना जो तो आप किस तरह सरकार के खिलाफ जो है जो भाजपा सरकार उपचुनाव में हार का जो है जो हुआ है उसके खुशी में हम लोग जो है आज अबीर गुलाल लगा करके जो है अपना खुशी जाहिर किया है। इसके साथ साथ जो है मटका भी फोड़ करके जो है हम लोग जो है सरकार का जो है श्राद्ध करने का भी काम किए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।